चंदन जैसा आखन से टुकुर टुकुर कहाँ देखा था? कहाँ से आवत हो, कहाँ जाए के है? यह गांव जाए क्या? केकरे घर? ठाकुर बंटेश्वर सिंह के घर। ठाकुर बंटेश्वर के घर? हाँ, हम उनकर बेटा है। हमारा नाम हो किशन सिंह। शहर में पढ़ाई करी ला, बहुत दिन बाद गांव वापस आवत। तो तू किशन है? हाँ। हमके नहीं पहचाना? नहीं। अरे अब तू राधा को कैसे पहचान बा? शहरी बाबू जो हो गए हो। अरे राधा, तू इतनी बड़ी हो गई? अरे तुम्हें तो बचपन में गोद में उठा उतरा है एकदम ऐसे। अरे अरे, अरे ये काम करो, हमको उतारो, को देख लेगा तो उतारो ना, उतारो। अब समझ गए लू कि हमायू किसने जो तुम बचपन में उठात रहा, अब हैं भी। मान गई बाबा, मान गई। चला बैग वा उठाओ और घर चला। ए तू बैग तो उठावा। चला मोर राधा। राधा हम तो यकीन नहीं आओ थे कि तुम मेरे संगे चलत हो। हाँ? एक बार बताए का? लेकिन तू बड़ी होके इतनी खूबसूरत निकल भू, हम सोच ले नहीं रहे। हम तो बचपन में तो बंदरिया बुलात रहे, याद है कि नहीं? हाँ, अब तो शहरी बाबू हो गए हो। बाऊजी देखा तो कौन आए बा? अरे ये तो हमारे ठाकुर किशन कुमार जी हैं। आवा बेटा। बाल लगी बाऊजी। खुश रहा, झुक झुक जिया। मोटू नहीं मिला था? अरे बाप रे, नहीं। कितना भारी बा। अरे अरे भुला गए, सॉरी सॉरी। कितना भारी बा। मोटू तो नहीं मिला ना? ये राधा तो कहाँ मिली? अब वो कहा ना बाऊजी, आवत रहे, बोझा काफी भारी रहल, दिखा गई नहीं राधा। हम बोले राधा यार आवा, थमा दिए बक्सा और बाऊजी। हम तोहरा के सामान ढोने वाला कूली लागत हो? अरे का होगी अभी तो के बताई। अरे राधा राधा राधा, कहाँ जा रहा? ये दोनों का बचपन अभी तलक नहीं गए। मोटू, किशन नहीं आए? अरे ना ही, हम कुल ससुरी ट्रेन खोज गली, ऊ तो हमके कहीं नजरे ना आई ना। अच्छा ही बताओ। हाँ? सच सच बोला। हाँ? तू तो स्टेशन गए रहे कि नहीं? अरे तका हम कौन पुलिस स्टेशन गए रहे का भाई? अरे किशन बाबू, अरे बचवा तू। अरे तू कौन चीज पर चढ़ के आईला भाई? जी पेपर। हाँ तेरी की हम वहाँ खोजत रहली हाँ, पता नहीं कौन चीज पर चढ़ के चली ना। अच्छा बाबूजी, हम चलत हो। हाँ बेटा जा। किशन तू भीतर चला। मोटू हाँ। ये सब सामान उमान लेके अंदर आवा। झूठ बोले थे? हम उठाई, हम उठाई। नहीं तो हम उठाई, हम उठाई लेके आओ अंदर। हम ही उठाई भाई। अरे अरे बाप, बहुत भारी बारे। राधा, ओ राधा रुक तो। का नानी? कहाँ मर गई थी रे तू? नानी वो का करत है? तू भुलाए गई? अब ही ठाकुर के घर दूध पहुँचावे का है? ना भूली हूँ नानी, वो किशन है ना, वो शहर से पढ़ के आ गई, रास्ते में मिल गए, सामान ज्यादा था, ये बदे हम सामान पहुँचाने बदे उनके घर चली गई। किशन आए गए? हाँ नानी, मगर वो हमका कुली कहत रहल, सामान ढोने वाला कुली। हम तो बिना मारे छोड़ते ही नहीं। तुम दोनों इतने बड़े हो गए लेकिन अब तक लड़क पर ना ही गयल। तू तो बस हमें की दोषी ठहराई हूँ ना। ना बेटी ना रे, तू तो हमार जान है। जा दूध पहुँचा के आवा, अब ही खेत में खाना भी पहुँचावे के है। बस नानी, ई गयल और ई आई।
अरे राधा रानी, अरे कब्बू हमरी उरी अभी ताकदा हो? अरे कब से खड़ा ही रास्ता में? पहले जाके अपनी सूरत आईने में देख। अरे अब तो तोहरी अखिया में अपन सूरत देखब हो। चल भाग। आए हाय, आए हो दादा का लचक हो? तोरी यही चाल पे तो फिदा है हम। फड़फड़ाइला राधा रानी, जौने दिने हमरे जाल में फसबू ना तो हर कुल फड़फड़ाए निकाल देब। आई हो दादा। बाऊजी दूध लैला। अरे राधा बिटिया, अरे आज तो मोटू बाहर गए बाटन। अच्छा ठीक बा किशन। हाँ बाबूजी। राधा आई बा, दूध ले लो भाई। अच्छा बाबूजी। ओहो राधा रानी, दूध लिया लो? हाँ। अच्छा तो आवा। बर्तन लिया हुआ थे। ला राधा रानी दा अपन पानी वाला दूध। नाना मुआ किशन, हम तो तोहरे खातिर सच्चा दूध लाई हूँ। सच राधा? हाँ खुद ही देख लो। अरे वाह राधा, एकदम गाढ़ा। एक बार बताओ कि तू हमारा इतना ख्याल काहे रख लो? का करे किशन, ये तो हमार मजबूरी है कि गांव में तू ही सबसे मुझे अच्छा लगा था। अच्छा राधा, तुम्हार कसम खा के बोला कि तू जो बोलू सच्चा। कसम ना खाई जा, चलो चलो दूध ला, राधा के पास फालतू का टाइम ना हो। बक बक करत रहते, बड़ बड़ी कहेंगे। तू हमरा से दूध गिराई, पैसा तो हमारा नहीं तो नानी हमरा के मारी। ए हम तो आर दूध नहीं गिरा, तो आर दूध खुद गिर गया, ठीक हो? हम पैसा नहीं दे, चल भाग यहाँ से। नहीं जी, पैसा तो तोके दे के पड़ी, हम छोड़ने वाली नहीं, पैसा तो हमार। हम कह दिए ना, हम दूध नहीं गिराए। पैसा तो हमार, हम तो पैसा लेके रही, चाही का खातिर हमार जान चली जाए। अरे तो दे देना जान, पैसा तो नहीं मिली रानी। जान हम तोहरा के पहले ही दे दिए, अब पैसा तो हमार। नहीं देब। नहीं देब, नहीं देब। अच्छा तो लड़बू रानी, आजा लड़ा 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 लड़बू हमसे। मार के मुकाबला। अरे भाई ये सब कहो रहा, हमार कपाट फोड़ रहा है, ये सब कहो रहा। बाऊजी ये देखो हमार सब दूध गिराए दे, पैसा नहीं दे था हमार। अरे दूध गिराए तो होकर पैसा देना। अरे बाऊजी हम नहीं गिराए कर दूध, खुदा दूध गिरावे तो पगली कहेंगे और पैसा मांगो तो हम नहीं दे पैसा। भाग राधा, लेकिन ये बतावा तुम्हारा दूध गिरा कहाँ बा? कहाँ दूध हुआ? मस्ती नहीं, जब देखा दोनों जन लड़ते रहते हैं। इला प्रसाद, इला प्रसाद भगवान के पूजा का प्रसाद है इला। और सुना, उकर पैसा दे दिया। मस्ती नहीं, हाँ बिल्कुल मस्ती नहीं, उकर पैसा दे दिया। जाओ प्रभु पैसा ले बोला, पैसा ला। पैसा तो नहीं देवरानी तो हाँ।
बोला पैसा तो तोहरे के देबे के पड़ी। अरे जा जा बाबूजी के तो हम पटा ले हमार। अरे तो तू लोग अभी तक लड़त बटे। अरे बाबूजी के समझाओ ना, पैसा तो कि नहीं मिले के भागे बोला भागा। ओका पैसा दे, ओका नानी ओके मारी। बाबूजी पैसा हम नहीं दे। बाबूजी बोलो हम कहे थे ना ओका पैसा दे ना, पैसा ओका ले रे 10 20। बाबूजी से ठीक आएंगे। किशन खाना ठंडा होता, चला जल्दी से खाना खा लावा। का भेल? खेत में खाना पहुंचाई जाए के हो। खेत में खाना पहुंचाए जाते, चला बेटा। ला नानी जल्दी से खाना दो। अरे तू कहवा इतनी देर कर दी। ला ये सुना, कहा ना कि हम आंधी की तरह गई और तूफान की तरह वापस आई, और तू कहत रही कि हमके आवे में देरी हो गई। जा अंदरवा से रोटियां ले ले। हाँ नानी। जाते हैं नानी। अरे अचरवा तो लेके जा। आ हम दे थे का खाली बर्तन खियाबू। नानी हम तो रोटी रखे रहे। चुप रह, तू भुलाए गई। चल हम दे थे चला। देखा राधा रोटियां लेके सीधे खेतन में चली जाना। हाँ नानी हम ना भूलब। जा अरे हाँ? रोटियां तो यहीं भुलाई गई। का जाने एकरा के का हो गई बा, सब काम उल्टा पुल्टा करत हो। इंतजार का है? राधा रानी हमें बहुत जोर का भूख लगल है, हमारे पास बैठ के हमारे मन के और हमारे पेट का दोनों का भूख मिटा देना। नहीं अच्छा ठीक है, नहीं खियावा, हम ऐसे भूखे रह जा। जा भूख लगल है। हाँ अच्छा चलो उहर बैठ के खाई। चला आज हम तोहरा के अपने हाथ से खाना खिया। अच्छा तोरे हाथ से खाए का जो मजा हो ना राधा रानी, वो मजा अपने हाथ से नहीं हो। क्या होने बहुत जोर से भूख लगल हो। अमृत अमृत वाह अच्छा लगत हो। और ना ना काम है हमार उंगली काट के पूछे तो काम है। अरे मूली राधा हम समझो मूली हो। अच्छा 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 माफी दे दा। अच्छा अब ठीक से खा। हम तोरे के ऐसे ना छोड़ब, कान पकड़ माफी मांग। चल कानो पकड़ते ही मुर्गाओ बनते ही माफी मांगते ही। अब क्या होना बहुत जोर से भूख लगा लग, क्या होना क्या होना। अच्छा ठीक हो खाओ। जल्दी 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 जी बहुत मजा। अब
और भाई हम आज पकड़ी जाए न जाने आज हमका का हो गई लो। आज सुबह से हम सब काम उल्टा कर रहे थे। नानी हमका मारिया तेरा था का तो हाँ प्यार हो गया। प्यार? हाँ प्यार। ए किशन तू कब हो कोनो लड़की के साथ ऐसे बैठे हो? हाँ बैठी ला। कैसे? ऐसे। अच्छा तो तू बतियावत रहे हो ओकरे साथ? हाँ जैसे तो से बतियाईला वैसे उन लोगन से भी बतियाईला। अच्छा कहाँ बतियावत रहे? अच्छा जाओ ओही के साथ बैठो हम जाते हैं। अरे सुना था खुदा सवाल कर दू खुदा नाराज होके जाता हूँ। हम नहीं सुना। कहाँ है तू लड़के धोखेबाज मक्कार जिधर देखी लड़की वही चिपक गए वही डाइन के साथ चिपक के जाए के बैठो हम जाते हैं। अरे सुना था सही राधा रानी अपना सुनाइबू के हमरो सुनबू। हम नहीं सुना कुछ। ए सुना ना हम अपनी राधा रानी के सिवा न केहू और लड़की के साथ न कबो ऐसे बैठली न बात करेली और न तो चिपकली। सच? सच हमार कसम तोहार कसम। अच्छा तो पहले कहीं नहीं बताए तोहरा के परेशान किए ना। अच्छा हम जाते हैं देर हो गई। कहाँ? अरे ए राधा अरे राधा अरे कहाँ? ए सुना तो सही हमरी जिंदगी बनाई दो।
चुम्मा हो चुम्मा चुम्मा हो रहे दा जम्मा हो रहे दा जम्मा हो ओ दई द चुम्मा हो दई द चुम्मा हो रहे दा जम्मा हो रहे दा जम्मा हो किसन छोड़ा हमरा के कोई देखेगा बदनामी होई। अरे रानी प्यार करे वाले केहू से डरा ना का काहे का बदनामी है मगर हम तो डरत है ना हमार बदनामी होई किसन किसन छोड़ा ना एक शर्त पर छोड़ का शर्त पहले तो मैं चुम्मा दे दा तब उतारा चुम्मा अच्छा पहले नीचे उतारा हमरा की या अब हमार एक शर्त हो तोहार तोहार कौन सी शर्त तू हमका बगीचा में मिला तब हम तोहरा के चुम्मा दे मंजूर हो अच्छा ला रानी मंजूर हो राधा रानी तू हमार हो बस हमरे सिवा क्यों के ना हो सकतो तो के जितना सतावा किराए सता ले लो चढ़ गए के उस्ताद नहीं रे हमरे ऊपर शराब का नशा ना चढ़ सकत हमरे दिमाग में तो राधा के बदला का जुनून है देख ले ना काल कैसे किसनवा के गोद में चाकत रही ससुरी उस्ताद अब हमरा के सारे बात समझ में आ गई का एक किसनवा का राधा से जरूर कोनो चक्कर है ना ना ऐसा ना हमार नाव दिनेश सिंह और एक बार जौन मछरी हमरे जाल में फंस जाले ना वो कितनो तड़पत रहे हमरे जाल से ना निकल सकत हमरे जाल से कब्बो ना निकल सकत ई बात बराबर कहा था उस्ताद अरे फोकट में इतना गुस्सा करा थो उस्ताद अरे कुछ जल्दी से सोचा नहीं तो चिरई किसनवा के साथ फुर्र हो जाई साले कब्बो ना हो सकत राधा सिर्फ हमारा और हमरे रही क्यों दूसरे के ना हो सकत नहीं कब्बो भयल हा और ना कब्बो होई साला हट राधा 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 रानी तू सिर्फ हमार हो और क्यों के ना हो सकतू किसनवा साले तेरी दास सालो राधा ए राधा अरे राधा रानी मोर रानी रुका रुका हाँ चला बोला हमार वादा का काब है वादा वो कहा है कि हमरा के शरम लागत बा शरम अरम नहीं चली वादा मतलब वादा वादा मतलब चुम्मा ठीक बा तू हमरा के नदी किनारे मिलो तब हम ना शर्माई सच जा नदिया के तीरे किशन और राधा का संगम जिप्पात दादा अरे हमार तो इतना हिम्मत है कि तो के गोद में उठा के ले जाए और के उमार कुछ ना कह पाई कुछ ना कह पाई अरे तू जिंदा रहबे तब ना अरे तो के मारी हमके हैं अरे क्या करी में हिम्मत है कि दिनेश के हाथ लगावे के मारी बाहर हिम्मत कैसे भइल राधा के छुए का और तुहार हिम्मत कैसे पड़ल दिनेश के छुए का हैं कैसे हिम्मत पड़ल ओ
मार दे तोके। हमका छुए तू? अरे कहाँ गई ला रे रमेशवा महेशवा? आवत है उस्ताद, आवत है। मारा जा रहा है एक तरीक तो मारा है कि हम पे हाथ उठाऊँगा साला मारा रे पर लगाए दिए। अरे कह रहा था तोहरे आंख में आंसू। अरे हम तो तोहरे खातिर पूरी दुनिया से लड़े के तैयार बानी। इतना चाह तो हमरा के एक इस कहीं हमरा मिले ना हुई तो धत पगली ऐसे नहीं बोलेगे। हमार मन कहा था कि किशन और राधा का मिलन जरूर हुई। दुनिया का कोई ताकत हम लोगों के जुदा नहीं कर सकेला राधा। किशन जब से हम सुने कि तू जात हो तब से हमरा के बहुत डर लागत हो। किशन हमार प्यार के बीच ये अमीरी गरीबी की कोनो दीवार तो ना आ जाई ना। हमार संगे जल्दी शादी कर ला। हम तोरे बिना ना रह सके। ए मोर पगली काहे ऐसे सोचत हो? सुना राधा देखा ये हमार पढ़ाई का आखिरी साल है तो हम मत जायदा। जल्दी से हम पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़ा हो जाओ तब हम मत उसे कोई अलग नहीं कर सकला। उसके बाद हम तो उसे शादी कर ले। हम दोनों बहुत खुश रह जाए। देखा आखिरी बार तो हम मत जायदा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे दें। अब समय जाए में थोड़ी कोनो टाइम लगा ला। नहीं तू घबराए मत तोहर किशन जल्दी लौटी है राधा। बहुत जल्दी हम लौटब राधा। बेटा अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया और पिछले साल की तरह अच्छा। इस साल भी अच्छे नंबर से पास होया। ठीक और एक बात और बेटा रास्ते में संभार के जाइए चोरी चमारी के बहुत डर रहे थे भाई। और एक बात और अपने तंदुरुस्ती के ध्यान दिया। तंदुरुस्ती लाख नियामा था समय से दूध जरूर पिया। बाबूजी आप तो ऐसे कहते हो जैसे हम कोनो दूध पीता बच्चा है।
बेटा किशन एक बात सुना, लड़का कितना बड़ा हो जाए महतारी बाप के नजर में वो बच्चा ही रहता है। हम सब समझ गए बाबूजी, हम समय पर दूध पिए के, समय पर खाना खाए के, गलत दोस्ती नहीं करके, उसे बात नहीं करके। मोटू राम बुलावत है, जा। भागे ना पावे। अरे चल। अरे माँ बहन तो है ही, लेकिन तू कहाँ भाऊ? एक तोहरे कमी बारानी। छोड़ छोड़ दे, छोड़ हमरा के। अरे बस ना, छोड़ ना। एक बार बस याद बुझा दे, बस तू चले बुना तोहरे बदनामी होई। चल जन आ जाइए तो बड़ा मजा हो। जब देखा तब फटे पांच जैसे चिल्लात रहते हैं। बचाओ हमरा के, बचाओ। कहाँ ही रहवा? हम कुछ ना करते हैं, ये तो हमके राधा बुलाऊनी है। अभी अब देखा खुदा चिल्लाती। हाँ हम समझ गए, राधा तो है बुलाइन है। दिनेश चुपचाप यहाँ से चला जा, और आज के बाद गांव में ऐसा ना हो के चाहिए, बुझला नहीं तो हम जान से मार दें। समझ गए ना? ना ना चल चल चल। राधा कब है बिटिया? हम जात रहे और वो तीन बदमाश छुप कर बैठे थे, अचानक हम पर टूट पड़े। अरे 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 तू हमके काहे ना बात ये लू? चुप। बेटिया राधा तू अकेले गांव में यहर उहर घुमा मत करा, और सुना तू जा अपन नानी से कह दे कि हम बुलाए। हाँ। ठीक बा, चला चला नानी के हमारे सलाम कहिए। चला आओ। चला सुना है राधा बिटिया ने दिनेश के खेत में बुलाए रहे। अरे का भेल का, ठाकुर जी ने रंगे हाथ पकड़ लिया और का? अरे ऐसे तो हमारे गांव के नाक कट जाई हो। हाँ कट जाई, कट जाई, बिल्कुल कट जाई ना और का? हाँ का। हाँ राम राम। राधा बिटिया कहत रही के आप हमें बुलाए रहे। हाँ हमें ही बुलाए हैं। कौनो काम बा? आपके तो याद हुई कि हम आपके जबान दे रहे कि राधा बिटिया के बैग की जिम्मेदारी हमार है। जी हमें लागत है कि उस समय अबाई गवाह राधा बिटिया के बैग हो जाए के चाहिए। आज राधा बिटिया के ब्याह के ख्याल एकदम कैसे आएगा? बात ऐसा बाकी आज हम खेत से आवत रहे तो देखे कि गांव के कुछ बदमाश लड़का अपनी राधा बिटिया के साथ छेड़खानी करत रहे। वो तो समय पे हम पहुँच गए, वरना न जाने का हो जात। हाय राम आज तो हम पहुँच गए, लेकिन कल के कुछ भी हो सकत। जवान लड़की है, हम सबके कुछ सोचे की चाहिए। पहले गांव में तरह तरह के बात हुई रहल बा, अब राधा बिटिया के ब्याह ही एकमात्र एकर उपाय बा। एक खातिर हम तोरा के बुलाए हैं। कहत तो आप ठीके हैं, लेकिन आजकल बहुत तंगी बा, शादी ब्याह में बहुत खर्चा हुई। अरे हमारे लिए जैसे किशन वैसे राधा, खर्चा की चिंता तू जिन करा। ठीक बा हम चलत हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा काहे बदे बुलाए रहन बाबू साहब, का कहत रहे? अरे बाबू साहब तो बहुत भला इंसान है, कहत रहे के आती लगन माँ राधा की शादी कर दे। राधा की बहुत बदनामी होतवा, हम हू मान लिहिन, बाबू साहब सारा खर्चा अपने ऊपर लिहिन। कहत रहेन के हमरा लिए जैसन किसन वैसन राधा। राधा की शादी बड़ी धूमधाम से होए के चाहिए। देखा आज हम बहुत खुश बाटी, तो का मालूम बा काहे? अरे आज हमार जा हम ना बताई, लेकिन कौनो बात नहीं, हम तो के सब बताई। अरे हमार बिया तय होई गवा, उही से जिक्रा के साथे हम चाहत रहे, उही से आज हम बहुत खुश हैं। अब जोने दिन बिया होई ना, वो दिन हम तोरा के पेट भर के गेहूं खिलाई। अच्छा हम चलत हैं, ठीक है? हाँ?
पाए लागू पंडित जी। खुश रहो जजमान, समाचार बड़ा शुभ समाचार, बढ़िया है। बिटिया की शादी तय हो गई है, घर बार बहुत बढ़िया है, बिटिया बड़े खुशहाल रूप से रहेगी, गांव देश में मान सम्मान भी है, बहुत बढ़िया शादी है। राधा बिटिया तनी यहाँ आवा। हमार राधा बिटिया तो बहुत खुश नसीब बा के ऐसन बर मिलल। पंडित जी कहत रहें के लड़का शहर मा बहुत बड़ा आदमी बा। नानी ये का कहत हो, तू तो किशन के साथ हमरी शादी की बात करत रहू, हम तो किशन के साथ शादी कर भी दूसरे से नहीं। बिटिया पहले का है ना बताऊ, अब हूँ कुछ नहीं बिगड़ल बा, शादी माँ अब ही बहुत समय बा, ये बीच किशन आए जाई ता तो हार शादी वही से कही देव या वो खुद ही कर ले है। आज समाज के खातिर सबकर मुंह बंद करे के खातिर जरूरी बा, बदनामी से बचे के खातिर, तू फिकर ना करा, तू जैसन कहबू वैसन करब। यदि हमारी शादी होई तो किशन से ही होई, किशन आएगा तब हमारी शादी होई, नहीं तो हम शादी केहू से ना करबे। अरे बिटिया तू तनिको चिंता जिन करा, तोहरी मर्जी के खिलाफ कुछ ना होई, जा तू आपन काम करा। किशन सिर्फ राधा के लिए बनल हो, वो राधा के लिए सारी दुनिया से लड़ सकत है, वो राधा के ना छोड़ी, राधा का प्यार सच्चा हो, वो आई किशन जरूर आई। यदि समय पर किशन ना आए तो हम बदनाम हुई, जब किशन झूठा हो, समय देकर समय पर ना आया वो झूठा हो, झूठा हो।
जाए तोरे बिना दिन कैसे बिताए राधा बिटिया जीन रोआ, अब उदास भाई से कोनो फायदा नहीं। अब तू जैसन कहा हम वैसन करब। बिटिया हम गरीबन के पास कुछ ना हो, बस इज्जत हो। अब हमारी इज्जत तोरे हाथ में बा। वादा के मुताबिक किसन ना ही आयन, वो तो झूठा निकरेन। हम कहत रहे कि लगन से पहले अगर वो आई जाए तो हम तो हर शादी उनसे कह दे। मिटिया अब हमरी इज्जत तोरे हाथ में बा। मिटिया शादी ब्याह जीवन मरण सब संजोग ऊपर वाला बनाई के भेजत है। ईमा हमार कौनो जोर नहीं। अब सब कुछ तोरे हाथ में बा बिटिया। इन सब भाग्य की लेखनी हो। तू जैसन कहबू वैसन हम करब। नानी जैसन आप उचित समझे वैसन ही करे। हम आपका इज्जत बर्बाद ना होए दे। पहले आप है नानी, बाद में सब। हम आपके बाद के सम्मान करते हुए भाग्य के सामने अपन सर झुकाए दे। आप शादी कर दो हमारे। के दुल्हनिया बनाई भो शान से घर ले जाई भो तोहके दुल्हनिया बनाई भो शान से घर ले जाई भो अंगना में तोरे जा दिन बनके दुल्हनिया आई बे ई प्रीत की कसम हम सातों बचन निभाई बे सातो बचन के छोड़ अब ही एक तो निभाई दे हमें तो उसे कुछ कहे के हो बेझिझक कहो कोनो पर्दा के कोनो जरूरत नहीं पति पत्नी के बीच कोनो पर्दा का कोनो जरूरत ना होए के चाहिए ना ना ऐसा ना सोचा आप गलत ना सोचे शादी से पहले हमार गांव के एक लड़के से प्यार रहल हमार दोनों के शादी भी होए वाली रही हम बस उससे एक बार मिले चाहिए था ओकरे बाद जोन फैसला आप कर भी वो हमें मंजूर बा सात फेरे के बाद हम और हमार शरीर तो हर धरोहर है और हमरे जीवन में किशन के साथ जोन बात घटी है ओके तो के बताए जरूरी बा अब आप जोन सोचे हुए करें राधा इस सच्चाई सुनने के बाद हमें तुम पे गर्व है हम दोनों एक एक दोस्त की तरह रहे
तो हमरे यहाँ किसी की अमानत की तरह रहे। पर तू कोनो चिंता ना कर, दुनिया वालन की नजर में हम दोनों पति पत्नी की तरह रहे। तू का करत हुआ? हम कह रहे ना, तू हमारे पास अमानत हो, तू वहां सो, हम नीचे सोवा था। हमार भाई साहब इका राजा हरिश्चंद्र बने हैं। ओ हमार भावज को देखो, मैं तुलसी तोहर आंगन की। का बात है भैये? याद ही अलग अलग जुलनी का रंग साचा हमार बिया, जुलनी का रंग साचा। काबर में सुबह? हाँ उस्ताद। अरे तोर भौजी ना दिखाई बहुत दिन से बे। कौन वाली उस्ताद? का मतलब है? अरे मतलब फुलवा गुलबिया चंपा चमेलिया कौन वाली? अरे बस बस बस, अबे पूरे गांव वाली के नाम ले लेबे का? अबे असली वाली के नाम तो लेबे नहीं किए तू। असली? अच्छा 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 अच्छा, मतलब राधा रानी। उस्ताद उस्ताद गजब हो गई। का भाई किसना मरियल का? अरे नहीं उस्ताद, वो राधा। राधा का? राधा के ब्याह हो गई। अबे साले होश में तो हुए? अरे कौन है मदारी के लाल में इतना हिम्मत है कि राधा के हमसे छीन सके? अरे खून का नदी बहा दे हम साला। सनवा राधा हमार हा और हम रह रही साली, क्यों के ना हो सका तू? किशन बाबू अब तोहार खैर नहीं। उस्ताद किशनवा से नहीं, ओकर ब्याह शहर में कौनों से हो गई? आई हो दादा तई खेला बात जौनपुरी है। राधा रानी न दिनेश का भाईनी नऊ ससुरे किसनवा का। ए रमेशवा। हां उस्ताद। अरे चिड़िया तो कौनो तीसरे के साथे फुर्र हो गइल रे। अरे किसन बाबू अरे भौजी भौजी आओ ना तनिक, भाइये ना भौजी। आप ही का तो इंतजार था हमें, हमने सब कुछ देख लिया है भाभी, सब कुछ। हमें तो अच्छी तरह से मालूम है कि आप और भैया एक साथ नहीं सोते लेकिन तुम तनिक भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये सब कहे खाते तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? अरे काहे नखरा कर रही हो छमिया, मैं हूं ना अच्छा नहीं किया भौजी, ये थप्पड़ में याद रहेगा, बहुत भारी पड़ेगा। ये सब का हो था? माँ, माँ, का बताई माँ? भौजी हमार रुमाई और हमसे कहने लगी। हमें तो पहले ही शक रहा, बहू तू है ये सब ना करे के चाही। माँ जी ये झूठ बोला था, हमार कोनो गलती ना बा माँ जी, ये झूठा बा। हम निर्दोष बानी माँ जी। नहीं माँ, तो हर कसम माँ आप झूठा नहीं माँ, तो हर कसम हम झूठ बोले तो तू मर जा माँ। जब तुम निर्दोष हो तब मुरारी के कमरे में का करे गई रही हो? बस माँ बस, ये सब बहुत होएगा वा, अब जो भी कहेंगे हम सब सच मान लेंगे का? राधा में कौन दोष नहीं बा, ये बिल्कुल निर्दोष है, सुना? राधा बिल्कुल निर्दोष बा। श्याम श्याम श्याम
हाउ जी, इस चांद को ग्रहण तो हमें लगाऊंगा। आज की तारीख, आज का दिन और ये थप्पड़ याद रखना। बाय भौजी। हाँ मोटू बोल। सरकार, वो कुतिया बियानी है, भैंसिया गाभिन हो गई, एकर खबर आपके मिल गिल का, जो बहुत खुश होते हैं। मोटू राम, बियान किशन अपन पढ़ाई पूरी करके घरे आवत हैं। साचू? हाँ, यही खातिर हम बहुत खुश हैं। अरे वाह वाह, बिहान तो है उन्हें स्टेशन लेवे के जाए के बाद, पिछली बार के नहीं भूल मत जाइए। अरे नहीं, हम अब बहिने जात हैं। अरे अब ये कहाँ जात है? किशन के लेवे। अरे महाराज, काल आई है। काल? अरे काल करे जो आज करे, आज करे सो, अब इतनी जल्दी क्या करे, अभी तो जीना बरसो। बोल ऐश्वर्या राय की जय, बोल करीना कपूर की जय। मोटू राम, तो है कहो ना सुधार सका, तू कब न सुधर में। अब क्या होगा माँ, अब क्या होगा? बाबूजी की वसीयत के मुताबिक अब सारी जायदाद की मालकिन तो राधा भौजी हो गई। तो तू का सोचे है? इतनी कच्ची गोली नहीं खेला है मां। जिस जायदाद पर हम नाग बनकर सारा उम्र उसे संभाल कर बैठा है, हम किसी को इतना आसानी से लेने नहीं दूंगा। मां, या तो राधा भौजी उस पेपर पर साइन करेगी, या फिर हम उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा। जरा सोच समझ के कदम उठाना बेटा, कौनो जोखिम के गुंजाइश ना रही जाए। तू फिक्र ना कर मां, तू फिक्र ना कर। मुरारी नाम है मेरा, मुरारी। ई तोहरे सौतेली भाई और माई दोनों मिलके हमें बदनाम करे के चाही, और तो और हमरे के मारी के इंतजाम भी करल रहल हो, ताकि ऊ दोनों मिलके तोहा धन दौलत जायदाद सब के सब हड़प ले। का करे राधा, हमार किस्मत ही ऐसा है। बचपन में माँ बाप का साया उठी गवा, सोचा बड़े भाई पर जीवन साथी आए पर थोड़ी दिलासा हुई, पर किस्मत के सामने भला केकर चली। खैर तू इस बात छोड़, हम तुहार हिफाजत खातिर कुछ भी करब, हर कीमत पर तुहार हिफाजत करब, तू कौनो चिंता मत कर। का करी, एक तरफ किशन का प्यार बा, दूसरी तरफ फर्ज, हम सफर जो पति होते हुए भी दोस्त बनल बा, हमें का करे के चाहिए। जो भी हो, पहले फर्ज बाद में सब, अब हम शाम का दामन कब्बो न छोड़ब। राधा राधा, तो हमें का करे का चाहिए? तू हमार माइके जा, वहां वहां ठाकुर बंटेश्वर सिंह मिली हां, वो बहुत बड़ा इंसान हवन, बहुत रहम दिल, वो हमार मदद जरूर करी है। हां तो ठीक कहता राधा, हम बंटेश्वर से मिले खातिर जाइब, जरूर जाइब, तू चिंता ना कर। श्याम, 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 श्याम उठा, माँ जी, श्याम, माँ जी, श्याम, 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 श्याम
का हाल बना रखा है? अरे काहे को इतना रो रही हो, इतना दुख काहे को मना रही हो? अब जो होना था वो तो हो गया ना। भाई साहब चले गए तो का हुआ? मैं हूं ना तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए, हम तुम्हारा सेवक हाजिर हूँ। शर्म नहीं आवत हो? ये बेरी तू ऐसी बात करत हो? शर्म की क्या बात है, हम तो पैदा ही जनाना वार्ड में हुआ हूँ। आओ हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। छोड़ मुड़ारी, छोड़ छोड़। तू कैसे नहीं मानेगी? याद है तुझे, याद है तुझे, तूने मुझे इस काल का थप्पड़ मारा था। आज तुझे बताऊंगा कि थप्पड़ क्या होता। मुरारी ये सब का होता? माँ का बताई माँ, ये देखो माँ का हाल बना रखा है। माँ इस रूम माँ ही ना माँ, तो ये हमको लपड़ गई ना माँ। बहू ये हम का सुना था, ये का हो? नहीं माँ जी, हम कुछ ना कहनी, ये झूठ बोला था। देखो माँ कैसा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि झूठ बोल रहा है। सच बात तो ये माँ, जब हम इनको कहें कि माँ आ जाएगी तो खाऊंगा, तो कहे कि माँ को भी रास्ते से हटा देंगे। तू हमें रास्ते से हटाई? अरे एक तो आते ही खा गई लो और दूसरे पे लाज लगा हुआ था। नहीं माँ जी, हम पर यकीन करा, हम कुछ नहीं कर। तो हर का यकीन करी, हमारे बेटा को तो आते ही खा गई लो। चल निकल निकल यहां से। मां स्टॉप इट मां, तू तो बहुत सीरियस है मां। भगवान भी पहली गलती माफ कर देते हैं, फिर तो तुम देवी है ना माँ। और देख अगर भौजी घर के बाहर चली जाएगी ना, तो हमारे घर की बहुत बदनामी होगी है ना माँ। और फिर मेरी सेवा के लिए भी तो कुछ चाहिए ना माँ। माँ दस्तखत भी तो ले रहे हैं ना माँ। भौजी भौजी, आइंदा अगर ऐसा गलती करियो तो हमसे बुरा कोई ना होई। माँ तू जा, तू बोल ना, तेरा गुस्सा बहुत खराब है। मजा माँ क्या कहा था हमने, क्या कहा था छमिया, कि थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। एक बात याद रखना, जब भी सेवा की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आ जाना बाबूजी, जरूर आ जाना। यदि यहाँ रहे तो ये भेड़िया हमें नोच नोच के खा जाए। मुरारी की माँ हमसे दस्तखत लेती, हमें मार डाली। ये दोनों दरिंदन के बीच रहे बाप ठीक नहीं, हमें यहाँ बचावे खातिर केहू नहीं बा। आज रात के चुपके से हम अपने मायके चली जाओ। अयो दादा, ए रामेश्वर, आज बिहाने सूरज कौन दिशा से निकल रहे है? अरे सरकार, सूरज का तो पता ना हो, पर चांद तोरे सामने खड़ा हो। दिनेश, हमार रास्ता छोड़ दा, हम घर जाइबे। अरे तो हम रहूं घर में, इत्थे कोठरी खाली है, चला वही पहुंचा दी तो के है? हम तोर हाथ जोड़ा थे, हमें घर जाइदा, भगवान के खातिर हमें घर जाइदा। अरे भाई इतनी अनहरिया रात में कहाँ जाइबू? अरे रास्ता में कौनो बदमाश पकड़ ले तो। अरे लोग कहिए कि देखा दिनेश अपने राधा का रक्षा ना के बोले। हमार रक्षा खातिर भगवान होवन, तू लोगन आपन रक्षा करा। कौन भगवान? अरे किसान भगवान। हमार किशन आई गवा पा लगी भाजी। आवा बेटा खुश रहा, तू जब तक शहर में रहा हमें हमें तो हर चिंता लगी रही। भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि तू शहर से पढ़ के आएगा वा बेटा। अब तो हम भगवान से यही मनाए कि तू खूब तरक्की करे बेटा। बाबूजी आपके आशीर्वाद से हम एकदम ठीक ठाक है, देखा ना तार किशन एकदम। लेकिन बेटा हम तुझसे कितनी बार कह रहे हैं कि तू बुलाए नहीं बाबूजी, समय पर दूध पिए क्या, समय पर खाना खाए क्या, दोस्ती हमारे कही कही मतलब है भैया कि ढेर चिंता हमके मत दिहल करो। तोरा चिंता में देखा हम सूख के कांटा हो गए। तू जा सामान अंदर करा। हाँ बेटा
तू जा जा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, इतनी दूर से आया है थका मांदा होगा, फिर हम सब बैठ के आराम से बतियावल जाएंगे। अच्छा बाबूजी। कहा बतियाई बो? अरे समनवा रख, समनवा रख ना, हर बेरिया हम ही समनवा उठाई, चल रख। बेटा किशन, अब तो तुहार पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, अभी बतावा कि आगे तुहार का विचार बा? बाबूजी हम सोचत रहे कि काहे ना अपने ही गांव में एक दवाखाना खोल लें, वैसे भी आप जानत हुआ कि अपने गांव में एक को अस्पताल नहीं। अरे बेटा यहाँ गांव में रह के का करबो, यहाँ पैसा कौड़ी कुछ नहीं बा, हम चाहत है तू शहर में रह के अच्छा पैसा कमावा, अच्छा नाम कमा, अच्छी तरह से अपन जीवन बसर करा। पानी तो ना मिले लू है ना? क्या बात है बाबू जी, आज राधा दूध लेके नहीं आई, नहीं उनका नानी है ना? अरे बेटा राधा की तो शादी हुई गई, वो अपन ससुराल चल गई, बाकी गांव देश में सब ठीक ठाक बा। बाबू जी होकर ब्याह होकर? हाँ। वो लगन के हमारे बारे में कुछ बता ले? मतलब राधा का ब्याह होकर? किशन अरे कहाँ खो गए? राधा के बारे में अगर ज्यादा कोई जानकारी चाहे तो जाए के होकर नानी से पूछ ला, वो सब बता दे। हाँ चाची, ये सब कैसे हो गए? राधा का ब्याह हो गए, कोई हम्मा बतेले नहीं, राधा का ब्याह कैसे हो गए? किशन बेटा भाग का लेखा क्यों ना मिटा सकत, राधा तोहरे खाते बहुत रोई, वो तनिको तैयार न रही शादी के बदे, हम तो हार बहुत इंतजार कैली, पर तू वादे के मुताबिक समय पर ना आया तो हम का करे? शादी के बाद अब आई के पूछा था कि शादी कैसे हो गई? अरे हम का करे चाची, हम गांव के लिए निकले रहे, हमारे कार का दुर्घटना हो गई और हम अस्पताल पहुंचे, कई दिन तक हम कोमा में रहे, कुछ होश ही नहीं रहल कि का होता और का नहीं, और आज अब होश आल था हमार तो दुनिया ही उछड़ गई। राधा की गांव में बहुत बदनामी होत रही, हमें तो सर उठाए के जी अब मुश्किल रहा, गांव वाले कैसन कैसन बात बोलत रहे, हम मजबूर रहे बेटा, ये समझ ला कि शादी ब्याह जीवन मरण सब ऊपर वाले के हाथ में बा, जौन लिखल बा उहे होत बा। क्या बात है बेटा? बाबूजी राधा हमार प्यार रहे बाबूजी, राधा का ब्याह हो गए बाबूजी, राधा का ब्याह हो गए बेटा। तू दोनों एक दूसरे से प्यार करत रहे और ये बात हमसे बताए नहीं? जॉन भैल ठीक ना भैल बेटा, अगर हमके मालूम हो हम इतना बड़ा अनर्थ ना होई दे, कबो ना होई दे बेटा, लेकिन लेकिन होने के क्यों टाल नहीं सकत बेटा, राधा के तो है भूले के पड़ी। हाँ बेटा राधा के ब्याह हो गवा, वो दूसरे के घर की अमानत है बेटा, बेटा तो है क्या भूले के पड़े, भूले के पड़े बाबूजी, लेकिन हम
हम राधा के बिना जी नहीं सकेंगे राधा जी। बेटा तो जिए के पड़ी, तो जिए के पड़ी है। हमार खाते हमारी खाते तो जिए के पड़ी। कछु न सुहावे तोहरे बिना, हमें कछु न सुहावे तोहरे बिना। सुन मितवा हर नजारा हसे, हम पिताना कसे रे तू हमके चिढ़ावे तोहरे बिना, रे तू हमके चिढ़ावे तोहरे बिना। सुन मितवा ओ मितवा, अखियां फेर हो। आस के पंछी इत उत भटके, हंसों का जोड़ा रही गयो बटके। सुन मितवा सुना नदिया का तीर, पुरवैया समीर पीर दूनी बढ़ावे तोरे बिना, पीर दूनी बढ़ावे तोरे बिना। सुन मितवा ओ मितवा, कौनो करनवा का करी देहिया में राखी के परनवा। सुन मितवा नैना निस दिन बहे, दुखड़ा का से कहे कहूं चैन नावे तोहरे बिना, कहूं चैन नावे तोहरे बिना। सुन मितवा दुनिया खारी लगे, जिंदगी भारी लगे, हमें कछु न सुहावे तोहरे बिना, रे तू हमके चिढ़ावे तोहरे बिना। सुन मितवा
मालिक। हाँ बेटू, कब आता? किशन का हालत हमके देख नहीं चाहता, न खात हुआ न पियत हुआ, दिन रात परेशान रहता हुआ मालिक। मोटू, हम किशन के समझाए कि वो कुछ दिन के लिए शहर चला जाए। कुछ हो के मालिक, उनका दिल से राधा का ख्याल निकल जाए के चाहिए। मोटू, तू तो किशन के बचपन से जाना था, अरे तू ही ने तो उनका पाल पोस के बड़ा किया है, यही वास्ते ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपा था। लेकिन मालिक। मोटू, तू हमारे इतना काम कर, हम जाने थे कि तकदीर का लिखा केहू बदल नहीं सकता, लेकिन कोनो ना कोनो उपाय तो निकल ही के पड़ी ना। हम अपने किशन के खुश देखे चाहे थे, खुश। आप बिल्कुल ठीक कहा थे मालिक, हमरे बारे में हमके ये जिम्मेदारी दे के आप हमार बहुत सम्मान के लिए मालिक। हम ये चाहते हैं किशन बाबू की जिंदगी में फिर से खुशियन का बहार आ जाए, वो फिर से पहले की तरह हो जाए मालिक। भगवान करे ऐसा हो जाए मालिक, भगवान करे ऐसा हो जाए। हे भगवान, हमरे किशन का रक्षा करा भगवान। यार ये साल नौटंकी वटंकी हुई कि ना, कुछ पता नहीं चला था? नहीं यार, कुछ मालूम नहीं। अरे ये देखा मोटू राम पूजा करत है। भगवान, ठाकुर साहब का मुँह से पहले हमार ब्याह करा दी है, नहीं तो हम जिंदगी भर मेहरारू खातिर ललियात रह जाब। भगवान, अरे भगवान, तोहरे दया का हाथ हमरे ऊपर आई गेल ना। हम हई कौन बे, कौन ससुर का नाते? माफी माफी सरकार, हुकुम सरकार। अरे इस साल कुछ नौटंकी वटंकी का प्रोग्राम होई कि नहीं? अरे बिल्कुल हुई, ससुरा काहे न हुई, एकर एकर ऐसी के तैसी। अरे काती गुजरे चल जाता, अभी तक नौटंकी भईबे ना किल गाँव में, हम हूँ भुला गेल रही हूँ। अब जाके हम ठाकुर साहब से कहब तो नौटंकी हुई जरूर हुई सरकार। आए और कोनो हुकुम सरकार? और कुछ नहीं, जो जाए जो जाए जो जाए जो जान बचलो लाखों पाई। आ भाई मजा। खाए सैया हमारे। आवा आवा आवा, कहाँ से आवा था मोटू? अरे भैया, फिर तू नजर लगा दी हलो ना, जब से तू हमके मोटू मोटू कहता हुआ हम सूख के कांटा हो जाते हैं। सरकार का बात कि हम मंदिर से आवत रहली हूँ तो लड़का लोग नौटंकी के बात करत रहलो, पान खाए सैया हमारू गरमा रहल नौटंकिया में। ऊ है सरकार, एक दो बात कहूँ। किशन बाबू आपन पढ़ाई पूरी करके आ गई ला, सरकार उनका खुशी में नाच गाना और का कह जला नौटंकी हो जाए। जरूर होई, जरूर होई, ऐसे किशन के मन भी बहल जाए और उका अच्छा भी लगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सरकार उका ना हो तो हम जाके नौटंकी के इंतजाम करी। जा जा इंतजाम कर जा। पान खाए सैया हमार। ससुर नौटंकी देखे के खुद के मन बा और कहथन किशन के नाव। अरे उस्ताद, सुना है कल गांव में नौटंकी आवत है। क्या बात है, अरे क्या खबर सुना है रे? अब कल आई मजा, तने दारू सारू का इंतजाम हो जा, ठीक से दबा भाई, तने दारू सारू का इंतजाम हो जा ना, तो साला खेल का मजा कुछ और है। अरे कस के दबाव है, ताकत नहीं है। नौटंकी बना दी बस रोटी
पलका बिछा दी बोल बलमा बोल बलमा बोल बलमा बोल बोल बलमा अरे भगवान कसम नौटंकी वाली के देख के मजा आ गल रे। अरे ऐसन करजवा में तीर चलौला ऐसन करजवा में तीर चलौला ना कि बिल्कुल भीतर चल गल रे। अरे ऐसन लागत अरे ऐसन लागत अरे ऐसन लागत हो ना कि ठाई ले। अरे का बात है राजा। अबे का सोचे तू? अरे मैं सोचे का बात है उस्ताद, ससुरी के उठा के तोरे बहिया में डाल दे। अरे जिया मोरे राजा। एक बार अरे एक बार ससुरी हमारे बहिया में आ जाना तो ऐसा मजा आई। अरे ऐसा मजा आई कि सब मजा आ जाए। तो उठा ले आई उस्ताद। उठा लिया। अरे रुक रुक, ऐसे उठाई पे तो गांव में हल्ला मच जाए, कौन दूसरा इंतजाम करे के पड़ी। इमा सोचे के का है? अरे मोटू को बुला दे, सारा इंतजाम कर दे। अरे बक मोटू हमारे बदे का इंतजाम करी बे? करी, अरे जरूर करी। ओके ब्याह के लालच दिया ना तो जरूर करी। आए हाय कहीं मोटू मल का ब्याह कराई देल जाए। जियो मेरे राजा जियो। तो चलो मोटू को बुला के लिया तू। चलो अरे बासी रोटी खाई बाकी टटका बना दे। अरे यार कैसे बोलूंगा भेजा रे मोटू को यार अभी तक नहीं आवा। अरे मोटू चाचा आ गए। आवा मोटू चाचा आवा। अरे अरे बस का मोटू चाचा नौटंकी देखला? अरे तकाल देख ली ना। ए मोटू चाचा अरे बिजली गिर गई हो। आय हाय अगर बिजुरिया गिरल हो तो कहीं कुछ ना कुछ भइल होई ना। भइल ना। अरे का करे जवा में यहाँ? आय हाय करे जवा करे जवा करे जवा में लगलती है। अरे बाप रे बाप तो हम ओकर उपाय बताई। हाँ बतावा। भैया हम गइल रहली हां शहर तो शहर में खूब ऊंच बिल्डिंग रहल तो बिल्डिंगिया के ऊपर लोहा का एक कूची लगल रहल। पूछला पर पता चलल कि जब ऊपर बिजली गिरेला तो नीचे फुट से जमीन के अंदर चल जाला और बिल्डिंग बल जाला। तो हम ये कहे के चाहत है कि आपो एक बोर लोहा का कूची ऊपरा खोच लें और जब बिजली गिरे तो गुप से। अरे बस हम तो है काहे खातिर बुलावनी है यहाँ? काहे खातिर? और तो बिजली गिरा तो वहाँ और तब काहे खातिर बोले लो हो? हमके अपन करेजा का आग ठंडी करे के। अच्छा हमके वो बिजली चाहिए।
हमके वो बिजली चाही चाही। हम कुल बतिया समझ गई ली, हम समझ गई ली, हम जाके उनके अब ही ने टेलीफोनवा हम कोर, लेकिन हमार का हुई और हाँ, अरे हमरे बिहवा का भइल तोहार बिया। हाँ चाचा, हाँ तू अपने बिया का चिंता चिन कर। अच्छा हम कराए तोहार बिया। अच्छा पांच छह गो बेवा देख लें। बेवा तो मतलब ये हमार बिया बेवा से? अरे कौनो बात नहीं भैया, बेवा का महतरियो हमके राजी खुशी कर ले हमो से बिया, ता हमार बिहवा हो जाई ना। पक्का तोहार बिया हो जाई, ता हम अबहिने जात हई फटाफट 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 टेलीफोन करत हई। हाँ ठीक, तोहार बिया पक्का होगा तब जाई ना। हाँ अब जाई। जा जा। हाँ भाई जा, बियाह होगा खुशी मनावा। ससुरु बेवा से जलावे। हाँ किरकिर किरकिर आवाज जात बा। हाँ नौरंगी बाई, हम तो हार मोटू बोलत हैं। बात यह नौरंगी बाई के उ तोहार नाच और तोहार गाना हमरा गांव के तीन चार लइकन के बहुत पसंद आई ला। तो उ लोग चाहा था कि अपना खातिर एक ठो सांच के तू आपन मुजरा कर। हम कोनो प्राइवेट शो ना करी, तोहरा के अच्छी तरह मालूम है हम ऐसन वैसन लड़की नहीं। तू काना करेलू प्राइवेट शो? हाँ। अच्छा ठीक बा, मौत करो तो हम जाके बोल देते हैं उनसे। अरे बाप रे बाप, अरे इतना गुस्सियात का है हूँ भाई, काहे खातिर गुस्सियात था? अरे अरे तेरी महतारी, हरदम ये में करंट आ जाला। कासेठ बाबू साहब। सेठ हमके कुछ रुपया चाहिए, बदले में हम तीनों लोग अपन जमीन तोरे पास गिरवी रखे बदे तैयार। बाबू साहब हम यही खातिर तो बैठा है कि बखत बेबखत तोरे लोग के काम आई। कितनी रकम चाहिए? 10,000। बाबू साहब इतनी बड़ी रकम का कोनो प्रयोजन बा, जैसे शादी ब्याह या और कुछ? सेठ तू अपने काम से मतलब रख, हाँ तू खाली आम खा पेड़ मत गिना, बदले में अपन जमीन गिरवी रखत है तो सभी ना मांगते हैं। बाबू साहब तू तो बुरा मान गया, ये लक्ष्मी है लक्ष्मी, ये कब आई कब जाई कुछ पता नहीं। लेक्चर ना, लेक्चर मत दाम के। अबे कागज दे, इला कागज और पैसा दाम के। बाबू साहब आप नाराज ना होए, लें पेपर दस्तखत करा, हम पैसा दे दें। अरे चाचा ओकरे बदे तो हजारन रुपया का इंतजाम कैके धैले आई। ओकरे बदे हा। अच्छा अच्छा ये बताओ चाचा कि का कहला का? अरे हम वहां टेलीफोन उठाई ली, घंटी बजाई ली और घंटी बाजल ट्रिन 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 ट्रिन, फिर ओकर नाजुक हाथ आई रिसीवर पकड़ के कान तक रखलस, अपना गाल पर रखलस। तो हम कहली कि सुना बतिया सुना, दिनेश सिंह जन हूँ, हमरे गांव का सबसे हसीन आदमी हूँ। आई हो दादा, सबसे ज्यादा पैसा वाला हूँ। अरे का बात है, और का हसीन उनका मोछ बा। आई हो दादा, और उनका मुस्कराहट देखे खातिर दूर दूर से मेहरारू लोग आवेला। अरे जिया चाचा, फिर का गलत? तो वो गलत चुप है? अरे तो तू के बताओ ना हमरे बारे में। अरे हम कुल बताइली भैया, हम कहली कि दिनेश सिंह के साथ चल जा तो राज करबू, तू रानी हो जाइबू। अरे का बात है, तो के इतना मजा मिली कि तू समझ जा कि तू अमिताभ बच्चन के साथ चल गईलू। अरे का बात है दादा, तू शाहरुख खान के साथ गईलू, तू आमिर खान के साथ गईलू। अरे बड़ बड़ स्टार लोग होला ना, सब हमरे दिनेश के सामने पानी भरेला पानी। तू कह चुप। पहले ही बतावा हाँ कि वो कब आई।
अरे हम उनसे बहुत कहली, हम उनसे बहुत चिरौरी कहली, हाँ हाथ जोड़ली, ओकरे गोड़े के पकड़ लिया ली। का कहले? वो कहले चुप 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 बिल्कुल चुप। इतना देर से बैठ के यहाँ पे राम और श्याम की कहानी सुनाओ तुम। मोटू तोहार बियाह अब कबो ना होई। अबे तोरे खानदान में केहू को बियाह भयल है? चुपचाप सवारी उठा यहाँ से। सुन बेवा तक का बेवा के नानी से भी तोर बियाह ना होई। बड़े बेवकूफ बनाओ तुम, बैठ के कहानी सुनाओ तुम। टेलीफोन कहीं नहीं, चुपचाप सवारी आप ले जाए यहाँ से। हट साला, कुल मजा खराब होगा साला। दोबारा मुंह मत देखैया। मोटू मल बियाह करिए। में कौनो नशे नहीं आवत यार। महेश बहुत दिन हो गए यार, कोई नया शिकार नहीं मिला। ससुरा कैसा शिकार उस्ताद? अबे अबे तभी बोले ना बनो है। अबे शिकार का मतलब है जवानी। ऐसा लगा था ससुर की गांव में जवानी खत्म हो गई है। अरे उस्ताद ऐसी बात नहीं है, गांव में खत्म हो गई दूसरे गांव से उठा ले आओ। हाँ अब यह करे के बड़ी ससुर बगल के गांव से उठाए के लाए के बड़ी जवानी है, लेकिन ऐसे नहीं रमेशवा को आ जाए तो। लेकिन ये गया कहाँ रमेशवा? बहुत बस लौका नहीं साला। ले चलो ठीक है, अच्छा भैया चला दे हमें। कहाँ उस्ताद? शिकार पे? अब शिकार पे नहीं, रात बहुत हो गई है, घर जा रहे हैं समझे। तमका तो बबुआ शिकार के अलावा कुछ लौकते नहीं है। और हाँ और रमेशवा आए तो बोल दियो कि हम बुलाए, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, हमसे आए के मिल ले। ठीक और पियो तुम अच्छे से। महेश। अरे राधा तुम? हाँ राधा। हम? राधा हमको माफ कर दो। राधा हमको माफ कर दो। ऑर्डर ऑर्डर, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। हम गीता पर हाथ रखकर कसम खावत है, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा सब कुछ कहूंगा। क्या बोले? मेरा मतलब है सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो जनाब मैं जो भी सवाल आपसे करूं उसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये बताइए ये आपका है? ये बैग हमार है, लेकिन भाई बाप हमने खून नहीं किया, हमने खून नहीं किया। बस खामोश रहिए, ये डिसाइड तो कोर्ट करेगा कि खून किसने किया है। तुम सिर्फ इतना बताओ वारदात की जगह पर क्या हुआ और तुमने क्या देखा? का बताई भाई बाप, हम चोरी करने के लिए घर से बाहर निकला, हमने देखा दरवाजा खुला है, हमने सोचा अच्छा है मौका, किसने है रोका, हो जाए चोरी जरा जरा। हमने कहा देखा एक औरत धीरे धीरे बाहर निकली। वाह 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 वाह, घर वाली बाहर निकली, दरवाजा खुला, यानी कि हमारी तकदीर का फाटक खुला। अच्छा है मौका, किसने है रोका,
हो जाए चोरी जरा जरा, चल बेटा झुरू धंधे पर। इका शराब, शराबी वो भी पी के धुन, अब बनाता हूँ नई लूटने की धुन। इका खड़ी, लगता है हमारा अच्छा टाइम शुरू हो गया। अरे इका पर्स, पर्स में बाल निकल गई दाल। थैला वो भी अकेला। बाल अंदर है, उंगली में अंगूठी वो भी सोने की। अरे अरे हमारा चश्मा गिर गवा, हमको कुछ दिखाई नहीं देवत। अरे हमारा चश्मा मिल गवा, मिल गवा, मिल गवा। कौन 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 कौन? क्या हुआ अंदर साहब? अंदर खून हो गया। अंदर खून हो गया? हवालदार प्रदीप गिरफ्तार करो इसे। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, हमने खून नहीं किया। वो भी मालूम मुझे खून किया या नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हमने खून नहीं किया और हमें पुलिस ने पकड़ लिया। मिलार्ड, जैसा कि इन्होंने बयान दिया है कि एक औरत घर के बाहर इनके सामने से गुजरी, हाँ 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 हाँ। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में इस तरीके का कोई भी बयान उसमें लिखा नहीं है। मिलार्ड, ये आदमी कोर्ट को गुमराह कर रहा है। गुमराह? हजूर, हमने गुमराह फिल्म भी नहीं देखी। हम तो कानून के दांव पेच भी नहीं जाने थे माई बाप, हमने खून नहीं किया। तुम्हारा कोई वकील नहीं है? हजूर, हमारे पास खाई के नहीं, हम वकील कहां से लाई। हमारे वकील तो ऊपर वाला है, वही हमार मदद करी। मिलार्ड, मैं इसकी वकालत करूंगा। है? ये रहा मेरा वकालतनामा। मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल पर बेबुनियाद झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मिलार्ड, बचाव पक्ष के वकील बेवजह गरम हो रहे हैं। मैं जो इल्जाम लगा रहा हूं उन्हें मैं ये कोर्ट में साबित भी करूंगा। तो आप ये बताइए, उस आदमी के ऊपर जब आप गिरे तो वो मरा हुआ था या जिंदा था? वो हम नहीं जानत, जिंदा भी हो सकत है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पहुंचने के बाद मरा। मेरे मुवक्किल को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू मे प्रोसीड मिस्टर श्रीवास्तव। कौन किसे फंसा रहा है ये मैं अभी साबित कर दूंगा, आपसे तो बाद में बात करूंगा। पहले मैं ये साबित करना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। मिलॉर्ड, मैं अपने पहले गवाह इंस्पेक्टर पांडे को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूं। हाँ तो इंस्पेक्टर पांडे, जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन क्या घटित हुआ वो आप अपने चश्मदीद बताइए कोर्ट के सामने। सर, खून वाली रात मैं और मेरे सिपाही गश्त पर थे। ये हमसे टकरा गए, चेहरा फीका पड़ा हुआ था, कपड़े खून में लथपथ। फिर इसे लेकर हम मौका वारदात पर गए, ये सामान और लाश हमें वहां मिली। थैंक यू इंस्पेक्टर पांडे। मेरे अजीज दोस्त को कोई सवाल करना हो इंस्पेक्टर साहब से तो कर सकते हैं। थैंक यू माई लॉर्ड। हाँ तो इंस्पेक्टर पांडे, आपको मौका वारदात पर कोई चश्मदीद गवाह मिला? नहीं सर, मौका वारदात पर चश्मदीद गवाह कोई नहीं मिला। मिलार्ड, इस खून का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। जैसा कि लॉ बुक की पहली लाइन में लिखा है कि हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और इस खून के पीछे कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई। यहाँ दो बातें हैं मिलार्ड, चश्मदीद गवाह और वजह, जो मेरे मुवक्किल को बेगुनाह साबित करते हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। वजह यानी मोटिव। योर ऑनर, इस खून के पीछे भी एक वजह थी, और वो वजह साबित करेगा ये झोला, इसमें पैसा और सामान। योर ऑनर, दिनेश सिंह एक आजाद किस्म का आदमी था। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। वो नशे में धुत अपने घर में आया और गिर गया, दरवाजा खुला रह गया। उसका फायदा उठा करके ये अंदर गया, इसने बेरहमी से दिनेश सिंह का कत्ल किया, और ये सामान लेकर के जैसे ही भागा कि इंस्पेक्टर पांडे से टकराया, उन्होंने इसको धर दबोचा। योर ऑनर, ये खून भरे कपड़े और ये सामान चीख चीख करके पुकार रहे हैं कि इसने ही खून किया है और किसी ने खून नहीं किया है। योर ऑनर, मेरी आपसे दरख्वास्त है, ऐसे मुजरिम को पेनल कोड 302 की तहत सजाए मौत देनी चाहिए। सजाए मौत। म,
माई बाप मैंने गुनाह किया है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इसी मुजरिम ने खून किया है, इसलिए यह अदालत द कोर्ट इज अर्जेंट। अदालत इस केस की सुनवाई अगली तारीख को करेगी। कौन? इसमें कौन आ सकता? का हम अंदर आ सकते हैं? आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। राधा, आप हमके ना जाना थे। आज के कोर्ट केस के बारे में बात करी के चाहत हैं। हम वही केस के बारे में आपसे कुछ कही चाहत हैं। अंदर आओ। देखो राधा, अगर केस के बारे में कुछ बात करना चाहती हो तो कल कोर्ट में आकर मुझसे कहो। नहीं, हम वहां ना आ सके थे। क्यों? हमार कुछ मजबूरी बा। हम यहीं पर आपसे सारे बात का खुलासा करे के चाहिए। ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो। हुजूर, जिस हत्या का मुकदमा कोर्ट में चलत हो वो हत्या हम किए हैं, और एक नहीं तीन तीन हत्या हम किए हैं। आप चाहें तो इन तीनों की करतूत का पता पट्टी पुलिस स्टेशन से लगवाए सकत हैं। अब ई बतावत है कि ई सब हम किए कैसे। ठीक है, ये सब तुमने किया, पर ये सब मानेगा कौन? तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत? सबूत? तीनों लोगों के हम मारे हैं जज साहब। एक लाश पुलिस के पास हो और दूसरी लाश जमीन के अंदर। अब उनको खुदवाई के देख ले, सबूत खुद ही मिल जाए। तो तुम अपने आप का पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? हम ऐसा ना ही कर सकत। बस इतना गुजारिश हो कोई बेगुनाह को सजा ना होइए। सुनो सुनो सुनो, हमें रोकने की कोशिश ना करे हुजूर, हम ना ही रुक सकित। बस ये उम्मीद लेकर जाते हैं कल कोर्ट में इंसाफ हुई फैसला नहीं। हम चाहते हैं हुजूर। आज फैसले का दिन है, मुझे ये फैसला सुनाना चाहिए, पर कल रात इस केस की मुजरिम के कुछ ऐसी बातें सामने आई है जो केस का रुख मोड़ सकती है। मुझे यह फैसला सुनाने से पहले उन बातों पर गौर करना ज्यादा जरूरी है। कल रात एक लड़की जिसका नाम राधा है उसने इस खून की जिम्मेदारी ली है, और इतना ही नहीं, इस खून के अलावा उसने दो और खून की बातें भी की है। इसलिए मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि राधा की बताई हुई जगह पर खुदाई करे, सबूत हासिल करे और इस कोर्ट में पेश करे। अब फैसला खुदाई के बाद ही होगा। साहब, एक और। सर, आप जरा इधर आइए। अब जबकि पुलिस की तफ्तीश खत्म हो चुकी है, लाशें भी बरामद हो चुकी है, तो यह बात साबित हो गई है कि आरोपी बेगुनाह। धन्यवाद। वो तो बस हालात का शिकार था, इसलिए यह अदालत उसे बाइज्जत बरी करती और साथ ही साथ असली मुलजिमा राधा पर मुकदमा चलाने का हुक्म। किशन,
किशन। राधा, राधा, राधा तू कहाँ खो गया रेलू? देखा, देखा, तोरे किशन का कहाँ हाल बोल तोरे बगैर? किशन, अपने आप को संभालो किशन। कैसे संभाली राधा? तू हमारी जिंदगी में नहीं हो। कैसे संभाली? तोरे बिना राधा जे का कोनो मतलब ही नहीं हो। मतलब? मतलब तो बनावे से बना थे ना किशन। अब हम कबूल के तू एक नया जिंदगी शुरू करा। नहीं जिंदगी ये नहीं हो सका। राधा के बिना किशन अधूरा है। अरे तोरे बिना तो जे का ख्याल हम सोचे नहीं सके राधा। अरे हम तो राधा दरवाजे पे कुंडी लगा लो तो अंदर कैसे आई लो? हम अब दरवाजा दीवार रिश्ता नाता सब दुनिया से परे छोड़ दिए ले। ये तो तोहर प्रेम है कि तू हमका देख सकत हो। का मतलब? मतलब ई कि हम ये जालिम दुनिया छोड़ चुके हैं। दिनेश और उनके साथी हमरे इज्जत पर डाका डाले लगे। अरे दिनेश, दिनेश, राधा मर गई। हाँ, राधा मर गई। कहाँ? अरे, राधा मर गई। ये कैसे हो गई? अरे वो दादा, और तब अबे बिहाने ले तो पूरे गांव के पता चल जाई। अरे वो दादा, ये गांव वाले छोड़िए ना। अबे पूरे गांव के खबर रहे कि हम राधा के पीछे पड़ रहे लिए। ये किसनवा मारना ही हमन के, और पुलिस सारा बंद कर दे जेल में। अब का कल जाए भाई? एक रास्ता बा उस्ताद। का रास्ता बे? ओके दफन कर दिया जाए। हाँ ये ठीक रही। तू जा, जाके गड्ढा उड्ढा खोद, दफन कर जाए के। इसे इसे हमन के मुसीबत से छुटकारा मिली। जल्दी कर रहे हैं। हमका मार के जमीन में दफनाए दिए। हम वो तीनों दरिंदन के मार के अपना बदला ले ली। अब इस जन्म में हमार मिलन ना हो सकत है किशन। नहीं, ये नहीं हो सकला, ये नहीं हो सकला राधा। तो अपने किशन की छोड़ के नहीं जा सकलो राधा। अरे हम लोगों का मिलन तो अधूरा हो राधा। एकर वास्ते तोरा के तोहार दे रिश्ता नाता सब छोड़ाई के पड़ी। हम सब छोड़े तैयार है राधा। हम तोरे लिए सब कुछ छोड़ दे। ये राधा किशन के मिले बहुत जरूरी है। इस जन्म में किशन का राधा से मिलन होई राधा होई। राधा 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 कहां जाओ तू? राधा सुना राधा हमार राधा राधा तू हम छोड़ के नहीं जा सकलू। राधा हमरी बात सुना राधा। राधा तू हम अपने किशन के छोड़ के नहीं जा सकलू राधा। राधा हम तो से कुछ कहती सुना। राधा हम छोड़ के मत जा राधा। राधा हम छोड़ के मत जा राधा। राधा हम तोरे बिना जिंदा नहीं रह सकिला राधा। राधा हम छोड़ा मत राधा। राधा राधा राधा
राधा, आज तू बहुत सुंदर लगा था, एकदम स्वर्ग की अप्सरा। कोई देख ले तो? ए, सुना ना यारावा। छोड़ा ना। धत पगली, भुला गेलू का, अब हम लोगन के केहू ना ही देख सकला। अब हम लोग अमर है, ये जालिम दुनिया से बहुत परे चल गए है। अब हम लोगन का प्रेम अमर प्रेम बन गया लो। अमर प्रेम। एक प्यास बटोहिया की प्यास बुझाई दे, एक प्यास बटोहिया की प्यास बुझाई दे।